नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इसे आप पहचानते हो? अगर नहीं पहचानते तो पहचान लीजिए दोस्तों। इसे करंज कहते हैं और कहीं कहीं इसे ढिठोरी भी कहते हैं। दोस्तों, यह त्वचा रोग के लिए एक अनमोल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। हर प्रकार के त्वचा रोग में यह फायदेमंद है, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, अपरस, अकवत। हर प्रकार के त्वचा रोग में आप इस पत्ते, कोमल कोमल पत्ते को पीसकर पेस्ट बनाकर अगर लगाते हैं तो आपका त्वचा रोग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, अगर किसी के पूरे बदन में खुजली है तो वह खुजली में भी इसका उपयोग कर सकता है। बहुत ही सस्ता दवाई है। बस क्या करना है, बहुत सारा पत्ता लेकर तोड़कर इसका पेस्ट बनाना है, चटनी, और उस चटनी को पूरे शरीर में लेप करना है। खुजली चाहे जैसा भी हो, पकनवा खुजली हो या सूखा खुजली, खुजली दो तरह का होता है, दोनों खुजली नष्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह पौधा भी इसके जड़, तना और फली, फूल सभी उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई छोटा बच्चा है जो कि पेशाब करता है बार बार, जिसके वजह से उसके नीचे वाले हिस्से में जहाँ वो चड्डी पहनता है उस हिस्से में अगर फोड़ी फुंसी हो गया है, या बहुत से छोटे बच्चे हैं जो लैट्रिन बार बार करने की वजह से गुद्दा लाल हो जाता है या गुद्दे में किसी तरह की फोड़ी फुंसी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन में भी इसके पत्तियों का पेस्ट बनाकर लगा दीजिए, एक दो दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके और भी फायदे हैं। अगर किसी का मुँह नहीं खुलता है पान, गुटखा, तम्बाकू खाने की वजह से अगर मुँह जाम हो गया है, तो मात्र इसके छाल को चबाने से ही, दोस्तों इस तरह से कोमल कोमल जो छाल रहते हैं इसमें से छाल निकलेगा, उस छाल को चबाने से ही उसके मुंह के अंदर जो भी बीमारी है सब नष्ट हो जाएगा। अगर दांतों में पैरिया है, कीड़ा लगा हुआ है, या मसूड़ों से खून आता है, मवाद आता है, तो उसमें भी काफी फायदेमंद है इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का छाल, मात्र चबाने से ही फायदा होगा। यूं तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग इसका दतवन भी इस्तेमाल करते हैं। उस दतवन को करने से दांत जो है चमकदार हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे के फलने के बाद फूल खिलता है और फूल खिलने के बाद फली लगता है। मैं आपको फूल भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यह फूल है। दोस्तों, इस फूल के भी बहुत फायदे हैं। इस फूल का काढ़ा बनाकर कुष्ठ रोग को धोने से कुष्ठ रोग जो है ठीक होने लगता है। दोस्तों, जो फायदे इसके पत्ते के अंदर, वही फायदे इसके फूलों के अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन फूल जो हमेशा नहीं मिलता है, कुछ दिनों के बाद फूल जो है फली बन जाएगा। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, जरूरत में आपको काम आएगा। दोस्तों, सड़े गले जख्मों में भी इसके पत्ते का पेस्ट लगाने से काफी फायदा होगा, जख्म जो है धीरे धीरे भरने लगेगा। दोस्तों, इसमें अभी फली नहीं लगा हुआ, अभी फूलों का मौसम है, फूलों का मौसम जानने के बाद फली लगेगा। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।